सो भाई हम आ चुके हैं किमची कोरियन क्विजीन एंड कैफे। ये अभी हाल ही में खुला है जहाँ तक मुझे आइडिया है। देख सकते हो कोरियन में भी लिखा हुआ है वही सेम चीज होटल का नाम। एक बार ना यहाँ अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या यूनिक हमें मीनू में सबसे यूनिक चीज क्या मिलती है टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए हम उस डिश को ऑर्डर करेंगे, ट्राई करेंगे और उसके बाद आपको देंगे अपडेट। मेरे साथ जो कैमरा मैन है मेरे भाई, वो आपको अंदर का एनवायरनमेंट दिखा। हेलो सर, वी शुड गो अपस्टेयर्स और वी शुड सिट हियर। ऊपर चलते हैं। ओके, ठीक है। वैसे मैं BTS का फैन नहीं हूँ बड़ा, लेकिन यहाँ पे BTS से रिलेटेड सारी चीजें, तो पीपल हु नोज अबाउट BTS और फॉलो द BTS कहीं ना कहीं यहाँ आके देख सकते हैं थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए। यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट है भाई। ये कब बनाए कैफे आपका? स्टार्टिंग ये मतलब अभी मंथ। ओके, अ मंथ है वो। मेरा अंदाजा ठीक था भाई, अभी एक महीना ही हुआ है कैफे को बने हुए। नाइस प्रॉपर्टी, कूल सो भाई देखो, मैंने अपनी एंटायर लाइफ में जो कोरियन फूड ट्राई करा है ना, उसको कहते हैं रामयान, समझ रहे हो? रामयान जो 110 rupees का पैकेट आता है ना, मैंने वो ट्राई करा है। उसके अलावा कोरियन फूड के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे को कुछ पता है। फर्स्ट टाइम में एक ऑथेंटिक कोरियन रेस्टोरेंट कैफे में आ रहा हूँ, जहाँ पे भाई टोटल जो डिशेज है ना वो सब कोरियन फूड है। ए टू जेड जितना भी मीनू के अंदर डिशेज मिलेंगी, खाना मिलेगा, वो सब कोरियन फूड है। तो देखने वाली बात ये होगी कि भाई इसमें से हम क्या चूज करते हैं और हमें कितना समझ आता है। समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें सूझबूझ लड़ा के ऑर्डर करना पड़ेगा। वो देखने वाली बात होगी कि हम क्या मंगाएंगे। एंड अबव दैट द थिंग इज कि हम दोनों वेजिटेरियन है भाई, हाल ही में ही कुछ समय पहले वेजिटेरियन हो चुका है। सो वी हैव टू ऑर्डर समथिंग विच इज वेज, उसके बाद फिर आगे अपना जो अपना तिब्बतन फूड हंट है वो हम चालू रखेंगे। बट बिफोर दैट, अब जब हम कोरियन रेस्टोरेंट में आ गए हैं, तो लेट्स ट्राई सम कोरियन फूड, ऑथेंटिक कोरियन फूड, और खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं हाउ द डिश लुक्स लाइक। थोड़ा कोशिश करते हैं मीनू के अंदर जरा घुसते हैं, थोड़ा मीनू को समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्टोपस भी मिल रहा यहाँ पे, ऑक्टोपस भी अवेलेबल है भाई अगर किसी को खाना है। बट ऑक्टोपस भाई वही है कि शाकाहारी लोग हैं, श्रिम्स वगैरह, हाँ वो सी फूड तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब अवेलेबल होगा। ओके, प्राइस मेंशन्ड है यहाँ पे ड्रिंक्स के। ओके, K-pop के शॉट। ओके भाई, मुझे लगता है K-pop ना कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस है, एज वेल एज इंडिया में भी इसका क्रेज काफी ज्यादा है। मैं तो सोच रहा हूँ रामयान क्यों ना ऑर्डर करें तुषार, वी कैन नहीं, वेज रामयान भी होगा, देयर माइट बी वेज रामयान ऑल्सो। ठीक है भाई, तो फिलहाल इसके अंदर तो ऑलमोस्ट जितना भी फूड है वो सब नॉन वेज है, तो भाई इसको तो थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं। हम एंटर होते हैं इस छोटे वाले मीनू में। ओके, सो मोस्टली जो ऑथेंटिक कोरियन फूड है ना भाई, वो नॉन वेज ही होता है, कि उसमें वेज के ऑप्शंस बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा। बट जो चाइनीज कोरियन इन्फ्लुएंस्ड फूड है वो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा ये देखने के लिए मिल सकता है कि इंडियन चाइनीज काइंड फ्लेवर काइंड टेस्ट, तो वो चीज़ हम ज़रा देखते हैं इसके अंदर, जिसमें थोड़ा सा कोरियन एसेंस भी मिले और साथ साथ वेज ऑप्शंस भी हमें देखने के लिए मिल जाए। सो बेसिकली ब्रो, इसके अंदर ना तिब्बतन और चाइनीज क्विजीन है, बट मुझे लगा जब हम एक कोरियन रेस्टोरेंट में आया तो भाई कोरियन फूड तो खाना बनता है ना, तो लास्ट में बहुत ढूंढने के बाद हमें इस सब के बीच में एक वेज ऑप्शन मिला है, किमची रामयान, जो मुझे लगता है थोड़ा स्पाइसी और टैंगी कहीं ना कहीं ब्रॉथ और नूडल्स हैं, स्टिकी नूडल्स, जिनके ऊपर थोड़ा सा वेजिटेबल ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जा रहे हैं, तो हम इसको ऑर्डर कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रिंक्स देख लेते हैं कुछ पीने खाने के लिए, तो ड्रिंक समथिंग। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक ब्रो? ड्रिंक देखो यार क्या, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ऑरेंज सनराइज लग रहा है मुझे। ओके, सो मतलब फैंटा लाइक टेस्ट आएगा इसका, ऑरेंज जूस टाइप। आपका सोडा आप डाल दीजिएगा, बट लाइक इट्स ऑरेंज ड्रिंक ना। ऑरेंज हाँ, तो एक ऑरेंज ड्रिंक कर दीजिए। मैं वो पी लूंगा, चॉकलेट सेक पी लूंगा। ठीक है, कवर करना है ना भयंकर, एक जगह हमने खा लिया ज़्यादा, तो उसके बाद गाइस क्या होगा कि हम आगे नहीं खा पाएंगे। पीपल माइट बी थिंकिंग कि भाई ये बंदे इतना कम क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, दो बंदे और एक प्लेट रामयान मंगा रहे हैं,
बॉस इसलिए क्योंकि अभी ना पेट में जगह खाली रखनी है, आगे जाके थानतुक भी आपको दिखाना, आपको लाफिंग दिखाना है जो प्रॉपर तिब्बतन फूड है। कोरियन फूड हम लोगों ने इसलिए चूज करा बिकॉज वी हैड अ ऑप्शन इन दिस स्ट्रीट वेयर द कोरियन फूड वॉज बींग सर्व्ड, जहाँ पे एक ऑथेंटिक कोरियन रेस्टोरेंट हमें देखने के लिए मिला। तो मैंने उसका फायदा उठाते ऑथेंटिक कोरियन रेस्टोरेंट में भी लेके आ गए और आपको इन्वायरमेंट भी दिखा दे कि किस तरह का और फूड मेनू में क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कोरियन क्विजीन। क्विजीन हिंदी में खान पान होगा, कुछ भी बोल लो कि यूट्यूबर कौन सा इतना गणित पढ़ के बन रहे हैं यूट्यूबर लड़के। मैं फिलहाल यहाँ पे और ठंड मुझे उल्टा ज्यादा ही लग रही है, एसी से ना सारे में कहीं ना कहीं वेंटिलेशन एसी चला के ऊपर से फैन चला रखा तो काफी ठंडा हो रहा है। ये खा के निकलते हैं आगे की तरफ अपने। बस तीन माले में कहीं ना कहीं पूरी प्रॉपर्टी बनी है, हम लोग सेकंड माले में सिटिंग यहाँ पे देख सकते हो आप, एक इधर है एक इधर है, दो जगह यहाँ अंदर है, एक इधर पे और एक इधर पे। सो काफी वेल मैनेज्ड तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिजाइन किया गया है। सारा जो इधर पे काम हो रहा है ना ये देख सकते हो आप वुड का है, ऑलमोस्ट इट्स वुडन, और नीचे जो फ्लोर है वो टाइल्स वगैरह है, बट एक्सेप्ट दैट जहाँ पे सिटिंग स्पेस है ना वो सब वुड से बना हुआ। प्रॉपर्टी डिसेंट है, अच्छी दिख रही है प्रॉपर्टी। फूड के हिसाब से हमें तब पता चलेगा जब एक बार हमारा फूड आ जाए, उसके बाद जब हम ट्राई करेंगे तो देन आई कैन गिव यू अ रिव्यू, देन आई कैन गिव यू अ आइडिया कि भाई क्वालिटी कैसी है फूड की। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रेस्टोरेंट, तो हम खाना खाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आएगा वो खाने की वजह से आएगा। एकोमोडेशन इन्वायरमेंट जो है किसी जगह का वो मैटर करता है, तो अगर फूड हमें अच्छा लगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने में से कितना इस रेस्टोरेंट को दूंगा, 10 आउट ऑफ कितना मेरे हिसाब से यहाँ के फूड के हिसाब से रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ, आगे स्ट्रीट में और भी शॉप्स हैं और भी बढ़िया बढ़िया कैफेज हैं जहाँ पे ले जाके आपको मैंने बढ़िया बढ़िया फूड और यूनिक फूड आपको दिखाऊंगा, टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि आप टेस्ट तो नहीं कर पाओगे बट यू कैन एटलीस्ट सी भाई कि कैसा है, कैसा दिखता है, और अगर आपको कल दिन को खाना है। ये चॉपस्टिक कैसे पकड़ते हो? तुम्हारी तो उंगलियां ही चलती हैं भाई। सही कह रहे हो, तो इसके कहीं और भी उपयोग हो सकता है इसका। अरे ड्रिंक्स आ चुकी हैं, हमने जो शेक मंगाया था शेक जा रहा है, ये भाई हमेशा यही शेक ऑर्डर करता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं कुछ नया ट्राई करने की फिराक में रहता हूँ। और फिलहाल ये है, क्या नाम था उसका ड्रिंक का, पल्पी है थोड़ा सा, और वो तो ले लेते फोटो, थोड़ा सा पल्पी किस में डालोगे? ये कैसा होगा? इतनी कमी है? नहीं, सोडा भी ठीक है, टॉनिक थोड़ी सी एक्सेसिव हो गई मुझे लग रहा है, थोड़ा सा वो करते हैं, नीचे नीचे ज़्यादा गाढ़ा होता है। नहीं वो तो मैं समझ गया, अब पी ले ले। सो बॉस हियर वी हैव द किमची रामयान नूडल्स, और एक नॉर्मल नूडल्स में ये अंतर होता है दैट रामयान नूडल्स आर स्टिकी। ये खा रहे हैं बंद गोभी, जो असली चीज़ है वो नीचे है, समझ रहे हो? मैं क्या बता रहा था, एक मैगी में और एक रामयान नूडल में क्या अंतर है कि वो आपको देख के समझ नहीं आएगा, वो आपको खा के पता चलेगा। दीज आर मच मोर स्टिकियर देन द रेगुलर नूडल्स। रेगुलर नूडल्स जो होती है ना वो इतनी स्टिकी नहीं होती, ये काफ़ी स्टिकी होती हैं नूडल्स, इनको आप चबाओगे तो आपको समझ आएगा। जब हम रामयान का पैकेट खरीदते हैं 120 रुपीज़ का, सो ये वही ऑलमोस्ट दीज नूडल्स और वो नूडल्स आर सेम, दिखने में अच्छी लग रही है, बाकी खा के पता चलेगा ब्रो कि क्या सीन है, खाते हैं और आपको बताते हैं। यार मेरे को तो सर्व करो मेरा बाउल, ये देखो, हाँ बढ़िया, सही सही खेल खेल गए, तो मेरे को सूप पिला के ये नूडल्स अंदर करने पे लगे, मान गया। ब्राह्मण आदमी खतरनाक हो रहे हैं भाई, ब्राह्मण कह रहे हैं पहले फल हमें लगेगा कि इसके बाद भाई ये तो पूरा ही गिरेगा, माता नहीं गिरेगा। कोई नहीं, क्या हो गया यार, वैसे भी तुम खाते कहाँ ज़्यादा। संघर्ष देखो गाई, संघर्ष ही है असली संघर्ष, ऊपर पहाड़ है और नीचे कहीं ना कहीं जमीन दरग रही है, ये किमची नीचे से दरग रही है और ऊपर से ठोस है भाई, ये तो सारा खेल के आ गया। कहेंगे भाभी वाले बंदे यहाँ कहाँ से, ये देखो बच्चों वाली आदत नहीं होती कि थाली में ज्यादा चली गई मैगी, वापस ले लूँ मैं। थैंक यू ब्रो, ओके भाई, ये ओ भाई भाई ये तो था इसके साथ मेन कोर्स, तो तुम भूल ही गए वहाँ, देखो ना तुम। हाँ भाई तुमने ऐसी खा दी हो, हे भगवान हे भगवान। नूडल निपटाने पे लगे मैं बंदे, पर असली सिस्टम तो इधर है भाई, यहाँ देखो ना कितना कुछ आ गया इस नूडल्स के साथ, और ये सब ना वेज है ऑलमोस्ट, ये सब कुछ वेज है, बट हाँ, बट जैसे हम कोरिया वगैरह में जाते हैं तो वो जो लोग सर्व करते हैं उसमें अलग अलग काइंड ऑफ मीट रहती है, मैंने देखा है, बंदे को मतलब ही नहीं है ये तू खा कि वो मैं खाता हूँ।
भाई ये तो खाओ, ये असली चीज है, इसके साथ भी स्वाद आएगा। कैमरामैन सबसे आखिरी में खाता है भाई, पर मेरा जो कैमरामैन है ना, मेरा जो भाई है, वो सबसे पहले खाता है। तो अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे है कुछ कुछ अलग अलग तरह के प्रकार के आइटम्स, और तो भाई ने मुझे बताया कि ये पनीर नहीं है। इफ इट्स नॉट पनीर, तो मेरे माइंड में ना सेकंड गेस यही है कि ये होगा हमारा जो वो नहीं होता है टोफू। सो बेसिकली इट्स फ्राइड टोफू, आई थिंक बेसन से बना हुआ है। एक बाइट ले चुकी है, कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा। अभी हमारे पास है यहाँ पे पिकल्ड कुकुम्बर, मुझे समझ आ रहा है पिकल्ड कुकुम्बर है, इसमें थोड़ा सा सॉस है और उसमें कुकुम्बर को जो है ना मैरिनेट करा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रकार की सब्जी है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, इंडियन है भाई, हिंदी में बात करेंगे, कोई शर्म नहीं है। हमारे कैमरामैन को कैमरे के पीछे से भी टोफू गायब करने पर लगा। हमारे पास यहाँ एक प्रकार की सब्जी है, हमारे घर में भी तो बनती है, बीन भाई, बीन। तो ये हमारे पास यहाँ पे बीन, बीन की लेते हैं एक बाइट। ओके, ये है कद्दू। कोरियन फूड में मुझे लगता है जो सब्जियां उनको आपको अलग से सर्व कर दिया जाता है, फिर आप सब्जी खाते हैं उसके साथ आलू है। ये सब कुछ ट्राई करने के बाद मेरे को एक चीज पता चली कि जो चीजें मेरे को सौरी और अचार वाला टेक्सचर लग रहा था ना देख के कि अचारी टेस्ट होगा, वो इनमें से किसी का भी नहीं। इसमें थोड़े से स्पाइसेस यूज हुए हैं, इसमें भी हल्के से मसाले हैं उनके साथ मैरिनेट करके दिया गया। ये स्वीट पटाटो जो बिल्कुल प्लेन है, जिसमें ना स्पाइसेस है ना सॉल्ट है, प्लेन सर्व किया गया। ये है कद्दू, दिस इज मे बी टोफू। ये जो थी ये चीज मैंने सोच के खा ली कि शायद से इसमें भी सिर्फ स्पाइसेस होंगी, एकदम से जब मैंने इसे मुंह में डाला ना वो अचार का टेस्ट निकल के आया, एकदम से एक खट्टापन एक सॉल्ट टेस्ट निकल के आया, और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये अचार है। कोरिया में जो बंद गोभी है उसको अचार की तरह मैरिनेट किया जाता है, यानी कि एक टैंगी टेस्ट उसको दिया जाता है, फ्लेवर दिया जाता है, और ये कोरियन अचार है एक तरह से, जो हमारा हम घर में अलग अलग तरह की सब्जियों का बनाते हैं। तो कोरिया में मुझे लगता है बंद गोभी का जो अचार है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैंने वहाँ देखा यार कई सीरीज कोरियन सीरीज है, और तब इस बंद गोभी को अचार की तरह यूज़ किया जाता है कोरियन फूड के साथ। तो भाई सब कुछ ट्राई कर लिया यहाँ पे, कद्दू ट्राई कर लिया, टोफू ट्राई कर लिया, बीन्स हो गया बेसिकली, कुकुम्बर ट्राई कर लिया, स्वीट पोटैटो ट्राई कर लिया, और मेन कोर्स ये जो हमारा यहाँ पे रामियन भी ट्राई कर लिया। कहने वाली बात क्या है तुषार कि मज़ा आया, हमारी पहाड़ की सब्जियों को इस तरीके से परोसा जा रहा है, दिखने में तो कूल है लेकिन तो स्वाद वही है। स्वाद वही है, बस आसपास के माहौल का कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। हमारे अक्सर सब्जियों में छौंका मारा जाता है, जखे का छौंका, और किस चीज़ का छौंका मारते हैं, लहसुन का छौंका, बहुत सारी चीज़ों का छौंका होता है, बट यहाँ पे छौंके के बिना हमें ये सब कुछ सर्व किया गया मैरिनेट करके स्पाइसिस के साथ। स्पाइसी है, ऐसा नहीं है स्पाइसी नहीं है, बट इट्स नॉट छौंका प्रॉपर, जिसे हमारी भाषा में गढ़वाली भाषा में छौंका मारना कहते हैं। छौंके वाला खाना नहीं है भाई, कोरियन फूड जो है वो छौके वाला खाना नहीं है। कोरियन फूड जो है वो स्पाइसी है, टैंगी है, हर चीज है उसके अंदर, पर उसमें छौके का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एज अ गढ़वाली मुझे छौका बहुत मिस कर रहा हूँ इस खाने को खाते हुए, जो एक छौके का स्वाद होता है ना ऊपर से तड़का मारना, जिसे हम हिंदी में और जगहों में और रीजन में जिसे कहा जाता है तड़का मारना, वो तड़के का स्वाद नहीं है, लेकिन कुछ अलग स्वाद है जो तड़के से अलग है। इसका अपना एक आइडेंटिटी है, इस खाने की अपनी एक पहचान है और एक यूनिकनेस है इस खाने के अंदर जो मुझे महसूस हुई इसे खाते हुए। अलग है, डिफरेंट है, बट टेस्टी। एट द एंड ऑफ द डे द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट टेस्ट्स गुड डिसेंट। सो बॉस मैं ना अभी भाई से इसी बारे में बात कर रहा था, हमने कोरियन फूड ट्राई, थाली बोल रहा हूँ मैं कोरियन फूड को, हमने कोरियन फूड ट्राई कर लिया, अभी हम जाके तिब्बतन फूड ट्राई करेंगे, बट वी आर गढ़वाली, हम गढ़वाल से, हम उत्तराखंड से, इतना समय हो गया गढ़वाल में रहते हुए, उत्तराखंड में रहते हुए, बट हमने आज तक गढ़वाली थाली कभी ट्राई नहीं करी है। तो मेरा ना अब नेक्स्ट एम ये रहेगा कि जो मेरा नेक्स्ट फूड ब्लॉग जब भी आएगा इन फ्यूचर, उसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ना थोड़ा रिसर्च करूंगा और मैं गढ़वाली थाली पता करूंगा उत्तराखंड के अंदर, जहां बेस्ट और बेहतरीन गढ़वाली थाली मिलती हो, गढ़वाली फूड, बेहतरीन गढ़वाली फूड मिलता हो, ऑथेंटिक गढ़वाली फूड, और फिर उसके ऊपर आपको एक फूड ब्लॉग बना के मैं दिखाऊंगा अपने इस चैनल से त्रिनेत्र, जिसका नाम है त्रिनेत्र, आप जानते हैं। फिलहाल आज कोरियन और तिब्बतन फूड को हम लोग एक्सप्लोर कर, बिकॉज जिस स्ट्रीट में हम आए हैं वो बुद्धा टेम्पल स्ट्रीट है पूरी, वहाँ जितने भी रेजिडेंस हैं, जितने भी लोग रहते हैं, मैक्सिमम आर तिब्बतीस, तो बेसिकली तिब्बतन पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो तिब्बतन फूड बहुत कॉमन है, तिब्बतन फूड हमें खाने के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। वही फूड अगर हम कहीं बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं ना, वे मच एक्सपेंसिव देन दिस प्लेस, किसी और दूसरी लोकेशन पे अगर हम जाके वही फूड ढूंढेंगे तो हमें काफी ज्यादा कॉस्ट करेगा और वो टेस्ट भी नहीं मिलेगा जो एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है तिब्बतन फूड का। तो अब सीधा चलते हैं अपना सेकंड और थर्ड, दो डिशेस फाइनल थी जो हमने सोचा ही था और आपको बताया ही था कि भाई थानथुक एज वेल एज द लाफिंग थानथुक मैंने एक बार ले में ट्राई करा, उसके बाद आज मैं उसे ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई मैं फूड वेस्टेज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ, फूड वेस्टेज ना मैं खुद करता हूँ ना किसी दूसरे को रिकमेंड करता हूँ कि फूड वेस्टेज करो, मैं यही कोशिश करता हूँ, रिकमेंडेशन तो मेरा ये रहता है कि फूड वेस्टेज बिल्कुल भी मत करो,
तो भाई ये है अचार, इसको मैं और खा नहीं सकता था इसलिए मैंने इसको छोड़ा। ये थोड़ा सा कुकुम्बर है, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ। अभी बाहर निकल रहे, एंट्री करते में ना हमारी नजर नहीं पड़ी इस स्पॉट पे, कितना प्यारा, मतलब ये यहाँ पे जो शोपीस लगा के कितना खूबसूरत लग रहा है शोपीस। सोच रहा हूँ कि जल्दी से ना यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं शोपीस के साथ, और वो पिक्चर्स जो है ना वो आपको मेरे यूट्यूब वीडियो में भी देखने के लिए मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोनों भाई जरा कैमरा स्विच करते हैं, उसके बाद दोनों भाई प्यारी प्यारी से फोटोज ले लेते हैं यहाँ से अपने लिए।